हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो बैठी हूँ अभी बर्तन धुलने के लिए, वो भी नीचे। आप लोग सोचते होंगे क्या हुआ, क्यों नीचे बैठी? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो मैं सारे सवालों के जवाब अभी दे देती हूँ। मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया है, मतलब दिन भर काम ही था, क्योंकि आज चांद रात वो ईद वाली चांद रात नहीं, हो रमज़ान का, कल से रमज़ान शुरू होने वाला है। तो वही सब साफ़ सफाई जो भी होता है वो सब मैं कर रही हूँ। बहुत लेट वीडियो जा रहा है ना, आप लोग सोचते होंगे अभी रमज़ान ख़त्म होने को आ गया और पहला रमज़ान और सहरी, पहली सहरी और रमज़ान का ये वीडियो मैं बनाई हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू करिएगा, आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग, आप लोग ये सीरियल के अंदाजे से आप लोग टाइमिंग भी लगा सकते हैं। बहुत लेट हो गया तो गाइज अभी सहरी का टाइम हो गया है, मैं बस उतना ही शूट की थी, थोड़ा सा आप लोग को दिखाई हूँ। बस मैं सहरी से अपना ब्लॉगिंग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है रोटियाँ मैं बना रही हूँ फटाफट, क्योंकि पराठे वो सब ऑयल वाला ज़्यादा फूड, ऐसे तो अफ्तारी में फिर ऑयल ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए इस वक्त सहरी में हल्का फुल्का ही खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। तो पहले तो मैं आप लोग को सॉरी बोलूँगी क्या कि एक महीना पुराना वीडियो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि रमज़ान अभी ख़त्म होने वाला और मैं फर्स्ट रमज़ान सहरी का वीडियो आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ गाइज। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी, बहुत लेट हो गई हूँ। मोबाइल में पड़ा हुआ है वीडियो, तो सोची मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, फिर पड़ा रहेगा। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा है मुझे वीडियो बनाने का या अपलोड करने का, बहुत ज़्यादा टाइम लग, सच में बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा अभी रमज़ान में हो भी नहीं पा रहा। तो मैं पूरे रमज़ान का कोई वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी, ये पहली रमज़ान सहरी है तो मैं कर दे रही हूँ आप लोग के साथ, और बीच में एक दो होगा वो डाल दूँगी। बस मैं कोई वीडियो उतना बना भी नहीं रही थी, क्योंकि दादी के जाने के बाद कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, तो वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। अभी इधर से मैं वीडियो बनाना शुरू की हूँ, बीच में बनाई हूँ, क्योंकि अभी ये सहरी का मेरा अंडा अंडा ये जो बन गया, रोटियाँ बन गई है, और रात का भिंडी का भुजिया जो होता है वो बचा हुआ है, तो वही से हम लोग सहरी कर लेंगे। कुकटॉक आप लोगों को बहुत ज़्यादा गंदा दिखता होगा, तो सब क्लीन मैं कर दूँगी इसी वक्त, करके मैं सोऊंगी। तो फिर अभी मैं सहरी कर लेती हूँ फटाफट से। और पता है गाइस, ये वीडियो जिस दिन का है, ये फर्स्ट रमज़ान का वीडियो, नेक्स्ट रमज़ान के दिन मतलब मेरी दादी नहीं रही, तो उस वक्त से मैं कोई वीडियो आप ही लोग बताइए कैसे बना पाऊँगी, नहीं बना पाती ना। तो आज रात को मेरी ये भी जो मैं खा रही हूँ, इस वक्त मेरी दादी हैं हम लोग के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में मेरी दादी डेथ कर गई, तो नेक्स्ट नहीं रहती हैं, बहुत दुख की बात है, पर क्या कर सकते हैं। जब भी दादी की बात आती है ना, दिल में लगता है ना, सच में आप लोगों को कितनी बार बता चुकी, दिल में लगता है ना कोई छेद कर दिया, कोई कुछ चुरा के ले गया, वो वापस कर दे, पर ऐसा हो तो नहीं सकता है। तो चलिए अभी अजान हो रहा है, आप लोग भी बने रहिएगा, ब्लॉग कंटिन्यू करिएगा गाइस, और वीडियो को लाइक कर दें। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी ये सब करने के बाद किचन क्लीन मैं कर लेती हूँ, तो वो सब मैं आप लोग को दिखाई नहीं हूँ, किचन क्लीन मैं कर दी हूँ बिल्कुल, कुकटॉप साफ दिखता होगा आप लोग को। तो यहाँ पर जो ये दाल चना जो वगैरह ये सब होता है मतलब इफ्तार में बनाने के लिए, वो सब मैं अभी भिगा के रख दूँगी, और ये डब्बे में भी डाल देती हूँ, मैं डालना भूल गई थी, मतलब कल ही आया था, तो अभी तो आज मतलब आज फर्स्ट रमज़ान है, तो सहरी के बाद का ये क्लिप है, अभी मतलब नमाज वमाज पढ़ने के बाद का ये सब कुछ क्लिप है। तो ये सब मैं कर दी हूँ रात में ही सब, मतलब सुबह में ही सब कुछ, सहरी करने के बाद सब कुछ मैं क्लीन कर दी हूँ। अभी मिलती हूँ आपको सीधे इफ्तार के टाइम। तो गाइस अभी यहाँ पे इफ्तार बनाने की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर चना और प्याज मिर्ची जो भी ये होता है वो मैं डाल देती हूँ। देखिए मैं किस तरह से सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ये ऑयल है तो बचा हुआ ऑयल जो रहता है मैं वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून, सिर्फ कलर के लिए है, थोड़ा सा चना ब्लैक ब्लैक ना दिखे। और यहाँ पे धनिया पाउडर और ये काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। तो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे बता रही हूँ, बहुत तरीके से बनता है मैं जानती हूँ। और ये जीरा पाउडर था, तो मैं भी बहुत तरीके से बनाती हूँ अलग अलग,
तो हमेशा चेंज करके बनाते रहती हूँ क्योंकि फ्लेवर बदलता रहता है तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे थोड़ी सी गार्लिक मैं डाल दूँगी, तो 2 टेबल स्पून मैंने गार्लिक डाल दिया। तो चलिए अब बस इसको अच्छे से चलाएंगे, मिक्स करेंगे और इसमें पानी डालेंगे। बहुत ही सिंपल है बनाना, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि ये सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है सच में। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी हूँ, प्याज मिर्ची और सारे सूखे मसाले जो भुके हुए होते हैं, पिसे हुए हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं, तो वही सब डाल के बस इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद से पानी डाल दूँगी और बस इसको, नमक डालना तो मैं भूल ही गई थी, तो सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे और फिर इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ना ये, आप लोग बताइएगा कौन कौन ऐसे बनाता है वो भी बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे अभी भजिया जो है वो बन रहा है, पकौड़े और मतलब फुलौड़ी जो होता है वो मैं बना ली हूँ, और ये भजिया कैबेज का पकौड़ा है, ये भजिया जो बोले यहाँ भजिया बोलते हैं हम लोग, कैबेज का भजिया। तो यहाँ पे बेसन जो है मैं रख दे रही हूँ डब्बे में, ये भी डालना भूल गई हूँ, एन टाइम में याद आता है तो डालना पड़ता है। मतलब बहुत हमेशा ऐसे ही होता है ना, जब भी आपको किसी चीज़ की नीड हो बहुत ज़्यादा, वही चीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर डब्बे में डालो रखो तो टाइम वेस्ट होता है। मैं पहले से ही कर सकती थी पर भूल गई थी, तो कोई नहीं चलिए हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम है और ज़्यादा भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे बेसन ले ली हूँ मैं और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। मैं कैमरा के सामने मैं रख नहीं पाई हूँ, मेरा ध्यान वही तो कैमरा लगा दो ना, ट्राईपॉड में ध्यान ही नहीं रहता है। मतलब जल्दी जल्दी जब आदमी काम करता है ध्यान नहीं रहता है कि कैमरा के सामने वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लोग की नज़र में वो नहीं दिख रहा है। मैं बता दी हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और चिली फ्लेक्स, नमक है, ये सब अजवाइन मंगरेला सब मैं डाल के बनाती हूँ। तो अभी मैंने नहीं डालूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो फटाफट से इसको मिलाते हैं। और कभी भी बेसन, मेक श्योर करें कि कभी भी आप बेसन फेंटे तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करें। एक बार में आप ज़्यादा पानी डाल के बेसन को मिक्स करेंगे तो फिर इसमें लम्स पड़ जाते हैं, गुठलियाँ हो जाती है, तो फिर बहुत ही मिला मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, फेंटना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप मिक्स करेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे बेसन जो है हमारा बन चुका है, और यहाँ पे कद्दू और बैंगन मैं कट करके रखी थी, तो वही उसी का रिक्वच बना दूंगी। ये बैंगन है और कद्दू का भी मैं बनाऊंगी, फुलौड़ी और पत्ता गोभी का भी। तो मैं 4 तरह के पकौड़े जो है वो बना लेती हूँ, जितना हो पाया मैं उसे करी हूँ फटाफट, टाइम बहुत कम रहता है ना। तो यहाँ पे ये रूहअफ़ज़ा है और ये लेमन वाला जो होता है, तो दोनों हमदर्द का ही है, तो अभी मुझसे खुल नहीं रहा, तो चाकू से मैं खोलूँगी, जो मुझसे खुलेगा वही लेमन वाला ही मैं बनाऊँगी, रूहअफ़ज़ा मैं रख दूँगी, कल बना लूँगी। तो फटाफट से जल्दी जल्दी सब कुछ बना रहे हैं हम लोग नहीं, मैं सिर्फ बोले कुछ कुछ भी बोल देती हूँ रिकॉर्डिंग टाइम, सच में कुछ भी मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा काफ़ी मेहनतों के बाद से ये हमारा डब्बा खुला है बोतल, तो यहाँ पे मैं डाल के मिक्स कर दूँगी। तो फटाफट से ये पकोड़े अभी रेडी हो गए हैं, तो वो मैं निकाल देती हूँ, बैंगन के थे, अभी ये कद्दू वाला जो है वो मैं फटाफट से डाल देती हूँ। और गाइस बने रहिएगा, थोड़ा सा मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ बोलते बोलते सच में। तो चलिए देखते रहिएगा आप लोग कैसे कैसे मैं तैयारियाँ जो भी हैं मैं करती हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि इफ्तार जो है दस्तरखान पे अच्छे से सज के रहें, अच्छे प्लेट में निकले, तो मैं हमेशा ऐसे ही चाहती हूँ कि बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, दिन भर हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं तो थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है देखने में, आँखों को भी खाना अच्छा लगना चाहिए, तो वही हमें खाने का भी वो दिल करता है, तो कोई भी खाना हो तो इफ्तार को मैं ज़्यादा अच्छे से सब कुछ अच्छा से करना चाहती हूँ, बिल्कुल जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ गाइस। तो बने रहिएगा, ब्लॉग कंटिन्यू करिएगा, कहीं जाइएगा मत, फटाफट से जो भी है मैं करती हूँ और आप लोग देखते जाइए। शायद मेरे बोलने की वजह से, मेरे बकबक करने की वजह से आप लोग बोर हो जाते होंगे, इसीलिए मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ।
आप लोग ने नोटिस किया, बच्चे जो हैं किचन में लगातार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो देख सकते हैं मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, वो शरबत बनाने का उनको बहुत ही ज़्यादा दिल करता है, तो वो मिक्स कर रही है। अभी मैं इसमें पानी जो है ऐड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल दूँगी। अभी तो वैसे ठंडा पानी पीना नहीं है, पर थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, बिना ठंडा शरबत के अच्छा नहीं लगता है। तो और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा का लत है, क्या कहें वही। तो चलिए कंटिन्यू करिएगा ब्लॉग को गाइस। तो बच्चे जो है मेरे अभी थोड़े बड़े हो गए, तो अच्छे से हेल्प थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, मतलब जैसे इफ्तार को लगाना, फिर मतलब इतना तो कर लेते हैं। तो चलो इतना ही करने वाला भी तो कोई नहीं था, तो अभी बच्चे जो हैं इतना ही कर रहे हैं, बहुत मेरे खुशी की बात है। तो बच्चे जो हैं लगाने में हेल्प कर देते हैं, तो बहुत खुशी होता है एक माँ को। तो चलिए यहाँ पे जो हैं बच्चे जो हैं फटाफट से देखिए, ले आप लोग देख भी सकते हैं लेके जा रहे हैं। तो दोनों मेरी बेटी हैं, बहुत अच्छे से ये हेल्प ये काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी लाइट भी चला गया, तो यहाँ पे लाइट आ जाता है इफ्तार करने के टाइम में आ जाएगा। तो बने रहिएगा, ब्लॉग कंटिन्यू करिएगा। अभी यहाँ पे मैं जो है सबको ड्रेन कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि जो बीज वूज है वो बच्चे लोग नहीं पीने में थोड़ा सा मतलब उन लोग को दिक्कत होगा। तो चलिए फटाफट से सब कुछ अच्छे से लगाते हैं। और पहली रमज़ान आप लोग को भी मुबारक हो, रमज़ान तो ख़त्म हो गई है, तो अल्लाह जो भी गुनाह हो हमारी आप माफ़ करिएगा। और बस इस रमज़ान में यही दुआ है कि ये बीमारी जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, फिर वापस ना आए। तो सबकी दुआ अल्लाह कबूल करें। तो ब्लॉग कंटिन्यू करिएगा, मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, बोला नहीं जाता रोज़ा रह के ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है इफ्तार जो हमारा जो भी है, अल्लाह जितना ही देते हैं उतना ही में अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है। तो यहाँ पे जो इफ्तार जो लग चुका, अभी जो है लाइट जो है आ चुका है। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करिएगा गाइस। बच्चे वेट नहीं कर पाते हैं गाइस, तो बाबू जो है बार बार शरबत को पी रहे हैं, रख रहे हैं बार बार, फिर बोला जा रहा है जान होगा तो पीजिएगा, फिर रख दे रहे हैं, थोड़ा सा पी ले बोलता है। तो चलिए कंटिन्यू करिएगा, अजान होता है तो हम लोग भी इफ्तार करेंगे। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, अच्छा लगता है वेट करना। अभी दुआ हुआ जो है वो मांगते हैं, तो चलिए दुआ मांग लेते हैं। गाइस जो अभी वीडियो है फास्ट फॉरवर्ड में है, तो इतना फास्ट हम लोग नहीं खाते हैं। तो इफ्तार हो जाने के बाद बर्तन वर्तन जो है मैं धुल दी हूँ अच्छे से। मैं फटाफट से इफ्तार ख़त्म होता है उसी वक्त बर्तन जो है मैं धुल देती हूँ। अभी प्याज मैं कट कर रही हूँ, चिकन बनाना है तो इसीलिए, तो क्योंकि डिनर की भी तैयारी करनी है। डिनर मैं बनाई नहीं थी, सिर्फ इफ्तार बनाई थी, और इफ्तार करने के बाद से मैं डिनर की तैयारी वैयारी करके फटाफट से डिनर मैं जो बनाती हूँ। हस्बैंड जी आते हैं दुकान से तो वो लेके आते हैं, तो इसीलिए लेट हो जाता है, तो मैं उस वक्त वो तैयारी कर नहीं पाती हूँ, इसीलिए बाद में ही बना लेती हूँ। तो कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग मतलब रमज़ान में वीकनेस हो जाता है तो फिर इफ्तार के बाद से आराम करते हैं, पर मुझे काम करना पड़ता है और करना ही है, बच्चे हैं तो करना पड़ेगा ही।
तो मैं बर्तन वर्तन धुलने के बाद अभी ये चिकन जो है फटाफट से मैं बना दूंगी, तो बने रहिएगा, ब्लॉग कंटिन्यू करिए। प्याज अच्छे से कलर आ जाएगा तो फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो मैं कोई फटाफट से मतलब बनाने वाला चिकन उसी टाइप का बना रही हूँ, तो प्याज ब्राउन करके मैं हमेशा ऐसे ही और चिकन उसमें डाल के उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। उसी ऑयल में फ्राई हो जाता है और प्याज भी अच्छे से और कलर आ जाता है। अभी लाइट ब्राउन प्याज होता है तो मैं चिकन ऐड कर देती हूँ और फिर पानी नहीं सूख जाता है, तो फिर जब चिकन फ्राई होने लगता है तो प्याज का भी कलर थोड़ा और आ जाता है। तो हमेशा ऐसे ही प्याज अच्छे से गल जाता है इस तरह से करने से। तो अभी इसमें सॉल्ट डाल देते हैं ताकि चिकन में जो है हमारा सॉल्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखा करें। अभी यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं डाल दूँगी और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जो कच्चापन होता है मतलब लहसुन और अदरक का जो स्मेल होता है वो चला जाए। इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ पे ये धनिया पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर, ये डालने के बाद ये ज़ीरा पाउडर, ये सब कुछ जो भी है पाउडर वाले मसाले वो डाल देंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ चिकन मसाला, मुझे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये डाल देंगे हाफ वन टेबल स्पून और फिर हाफ टेबल स्पून यानी कि डेढ़ टेबल स्पून इसमें मैं चिकन मसाला ऐड करी हूँ। बस इसको अच्छे से पकाएंगे, भुनेंगे, जितना भुने उतना ही अच्छा होता है। तो मैं बस अच्छे से भुनने के चक्कर में सब्ज़ी हो या गोश्त हो कुछ भी हो चिकन हो कुछ भी हो मैं बस इसको अच्छे से बहुत ही अच्छे से भूनती हूँ ताकि जो भी इस कच्चापन स्मेल होता है चिकन में तो बहुत ही अच्छे से चला जाए। तो फटाफट ब्रांड से यही होता है कि चिकन का स्मेल चिकन के अंदर ही हो जाता है, अंदर ही रह जाता है। तो इसको अच्छे से भुनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर से भुनेंगे। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पानी डाल डाल के बार बार भूनती हूँ अच्छे से ताकि बहुत ही अच्छे से अंदर तक भुन जाए और नमक उमक मसाले जो है चिकन में अच्छे से घुस जाए। नहीं तो फटाफट से भुनने के बाद फटाफट से पानी डाल दो तो फिर चिकन अंदर से उसमें ना ही नमक घुसता है ना ही मसाला जाता है। तो चलिए हमारा चिकन जो है अब रेडी हो गया, बस भुनना उनना बाकी है, पक जाएगा वो फटाफट से। तो साइड में कर देते हैं और यहाँ पर जो है दूध हमारा बॉयल हो चुका है वो मैं उतार के और उधर चिकन कर दी हूँ और यहाँ पर मैं राइस बना लूँगी। तो चिकन राइस यही बनाऊंगी सिंपल सा। तो देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तो बस ऐसे ही भुने हमेशा तो बहुत ही अच्छे मज़े के आपके चिकन बनेंगे। तो पानी जो है अच्छे से गर्म हो गया, बिल्कुल अच्छे से गर्म जब मतलब बॉयल होने पे आ जाता है तो 75% पानी जब हमारा गर्म हो जाता है तभी मैं चावल उसमें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है बच्चे लोग को मैं खिला दूँगी, हस्बैंड जी अभी गए हैं तरावी नमाज के लिए तो बच्चे लोग खा लें। तो गाइस वीडियो हमारा जो है एंड हो चुका है, अभी हस्बैंड जी नमाज़ पढ़ के आएंगे तो हम लोग खा लेंगे। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताया करें, कमेंट करें प्लीज़, और डिसलाइक करते हैं जो भी तो वो भी करें प्लीज़, कमेंट भी कर दें ताकि मुझे पता तो चले मैं गलती कहाँ करती हूँ तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखें।